ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। देश में मानसून जोरों पर है। कर्नाटक, केरल, आसाम, अरुणाचल, बिहार और फिर महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र में इस बाढ़ से लाखों लोग परेशान हुए, सैकड़ों लोगों की मौत इस बाढ़ की चपेट में आने से हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। कोल्हापुर, सांगली, कई गांव डूब गए, लाखों लोगों को बाढ़ से बचाया गया। मानो में माया नगरी थम सी गई है। बाढ़ के ऐसे हालात में लोगों को बचाने के लिए NDRF की सेवाएं ली गई है। सांगली में, कोल्हापुर में लाखों बाढ़ पीड़ित 4 दिन तक भूखे प्यासे रहे। वायुसेना को भी राहत कार्य में लगाए गए। कई अलग अलग टीमों ने रिलीफ लेकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचे। यहाँ तक डॉक्टर की टीम भी लगाई गई है। कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे जो डॉक्टर हैं और कई डॉक्टरों की टीम बनाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हैं। इसी तरह से अन्य लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। केरल में हालात इतने ख़राब थे कि सेना के जवानों को मैदान में उतारे गए। गुजरात में मोरबी में एक पुलिसकर्मी ने बाढ़ के कमर तक पानी में चलकर अपने दोनों कंधों पर 2 बच्चियों की जान बचाई और सेना द्वारा बचाए गए लोगों को नाव में बिठाकर ले जाते वक्त एक महिला सेना के जवानों के पैर छूकर उन्हें साक्षात भगवान मानकर रो पड़ी। यह हादसा पत्थर दिलों को भी रुला देगी। बाढ़ के दौरान पुलिस और जवान जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे थे, तब महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की मुलाकात के दौरान नाव में बैठे बैठे सेल्फी खींचते नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि हंस हंस कर कई पोज दिए। क्या ये कोई सेल्फी खींचने का समय था या लोगों के आंसू पोंछने का समय था? ऐसे हालात में मंत्री जी ने सेल्फी खींच रहे थे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सेल्फी लेते हुए मंत्री को जरा सी भी शर्म नहीं आई। अगर शर्म आती तो शायद सेल्फी वाली अपनी फोटो नहीं खींचते। महाराष्ट्र में भाजपा या CM द्वारा उस मंत्री को फटकार लगाई है ऐसा तो मालूम होता नजर नहीं आया है। लोग बाढ़ में डूब रहे हों और मंत्री लाइफ जैकेट पहनकर सेल्फी ले रहे हों, वह मंत्री जी वह जरा भी शर्म नहीं आई तो उन बाढ़ पीड़ितों से अभी भी माफ़ी मांग लें। 2 बच्चियों को बचाने वाले पुलिस को सलाम इसलिए भी है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पैर के नीचे कीचड़ है या गड्ढा है, तो बस जान पर खेलकर बाढ़ की पानी में चीरता हुआ लोगों की जान बचा रहे थे। ऐसा जज्बा बहुत कम देखने को मिलता है। कहाँ ये पुलिस, कहाँ ये सेना के जवान जिसे लोग भगवान मानकर उसके पैर छू रहे हों, और कहाँ वो मंत्री जो मानो नाव में बैठकर घूमने निकले हो ऐसा मानकर सेल्फी से खेल रहे थे। ये फ़र्क है नेता और सेना के बीच। वाकई समाज की जिम्मेदारी हो तो कर्तव्यनिष्ठ कर्मी और सेना के जवानों का सम्मान करना चाहिए। देश में कार्यरत NGO को भी ऐसा नौजवानों को सम्मान करना चाहिए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।